अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा नाम रहमान है। अगरचे कुरान में कसरत से आया है अल्लाह, वो क्यों? अहले अरब सिर्फ इसी नाम से वाकिफ थे, अल्लाहुम्मा लाहुम्मा दुआएं मांगा करते थे। और आपको मालूम है सूरह फुरकान में तो एतराज भी उन्होंने किया, ये रहमान को कौन है, हम तो जानते नहीं है, ये कहां से ले आए हो है मोहम्मद तुम रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप गौर करें तो सबसे प्यारा नाम रहमान है। देखिए रहमत से ये दो नाम बनाए गए, अर रहमान अर रहीम। 113 मर्तबा तो तमाम सूरतों के से पहले ये आयत मौजूद है, अर रहमान अर रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान अर रहीम। सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान अर रहीम। इनमें फर्क क्या है? ये जो फालान का वजन है, इस पर जो अरबी में लफ्ज आते हैं, उसमें किसी सिफत की हैजानी कैफियत, तूफानी कैफियत, ठाठे मारता हुआ समंदर, पहाड़ों ऐसी लहरें, इसी से गजबान बना है, इंतहाई गजबनाक, बहुत गुस्सा, इसी से जुआन बना है, भूख से मर रहा हूं मैं, आना जुआन, इसी से अफशान बना है, मैं प्यासा मर रहा हूं। अल्लाह का लफ्ज, अल्लाह का नाम रहमान जाहिर कर रहा है अल्लाह की रहमत ठाठे मारते हुए समंदर की तरह है। और रहीम फ़ाइल के वजन पर है, जिसमें दवाम होता है, तसलसल होता है। तो अल्लाह की रहमत जहां ठाठे मारते हुए समंदर की तरह है, साथ ही वो आहिस्तगी के साथ मुसलसल बहने वाले दरिया के मानिंद भी है, तसलसल के साथ। अब इन दोनों का रिलेशन अगर मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं, अगर कहीं किसी बस का एक्सीडेंट हो जाए और आप देखें कोई औरत जो है मुर्दा हो गई है और कोई शीर खार बच्चा उसकी छाती से चिमटा हुआ, उसे क्या पता मेरी मां मर गई है, और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, कुछ पता नहीं है ये कौन खातून थी, कहां से आई थी, कुछ नहीं पता। आप बताइए उस वक्त कौन सा इंसान होगा जिसके दिल में रहमत का दरिया जोश ना मार जाए, इस बच्चे की सरपरस्ती मैं कर लूं, यह इंसान की फितरत है। लेकिन जब वो घर ले जाएगा तो हो सकता है कुछ दिन के बाद वो महसूस करे कि मैंने खामखा को ये बोझ अपने ऊपर ले लिया है, मेरे तो अपने बच्चे बहुत थे। गोया कि जोश तो आया, दबाव उसमें नहीं है। अल्लाह की रहमत ठाठे मारते हुए समंदर की तरह भी है और उसमें दवाम है, दरियाओं का सा दवाम, तसलसल से बहने वाला। और सबसे प्यारा मैं क्यों कह रहा हूं ये नाम, हमें सबसे बड़ी जरूरत रहमत की है। देखिए अल्लाह राजिक है, अल्लाह राजिक है, हमें रिस्क देता ताकि हम जिंदा रहें, और उसने हमें जिंदगी इसलिए दी है ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले। तो रिस्क देना उसकी जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जिंदा रखना चाहता है ताकि वो इम्तिहान मैं दूं, तो रिस्क देगा मुझे। लेकिन रहमत कौन सी चीज है? मैं हदीस आपको सुनाता हूं। एक दफा आपने कर फरमाया, कोई इंसान महज अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक के रहमत खुदावंदी दस्तगीरी न करे। इसी सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी हिम्मत से, जुरत से, बल्कि हम कह सकते जसारत से काम लिया के पूछ लिया, हुजूर क्या आप भी? फरमाया हां मैं भी, इल्ला यतगम्मदनी रब्बी बिरहमतिही, मैं भी दाखिल नहीं हो सकूंगा जन्नत में जब तक के मेरा रब मुझे ढांप न ले अपनी रहमत से। तो सबसे प्यारा नाम कौन सा हुआ? अर रहमान।